उद्घाटन में आई है। क्या नाम है आपका बेटा? ये किसी प्यारी सी बच्ची है। ये लड्डू की पैकिंग चल रही है जो कि दीपक भाई और उनके साथ भाई है वो भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये उद्घाटन की तैयारी चल रही है पूरी, आप देख लीजिए यहाँ पर। ये भैया उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं, बैलून वगैरह फूल वगैरह यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्यूट सी मस्ती देखिए आप, देख लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं जारम ब्लॉग्स। आज मैं आया हूँ एक मेडिकल उद्घाटन में। इस मेडिकल उद्घाटन में कौन कौन आ रहा है आपको आइए इस वीडियो में बताता हूँ। इस मेडिकल को उद्घाटन करने आ रहे हैं डॉक्टर एमपी सिंह और सनीदेव महाराज। जैसे वो आते हैं उद्घाटन होता है उसका वीडियो मैं आपको बताता हूँ। ये मेडिकल कहाँ पर खुला है, इस मेडिकल की पूरी जानकारी किस प्रकार मिलने वाली है आपको, मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मेडिकल स्टोर का ऊपर बोर्ड लगाया जा रहा है जो कि भाई लगा रहे हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर मेडिकल स्टोर का नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आ चुका हूँ सतरूप मेडिकल में, जो कि भैया मेरे सामने बैठे हैं। आइए भैया से परिचय करवाता हूँ उस मेडिकल का और भैया का, और इस मेडिकल की पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आइए भैया बताता हूँ। हेलो भैया, भैया आपका नाम क्या है? शैलन सिंह कंवर। भैया आपने, आपकी इस मेडिकल की लोकेशन क्या पड़ने वाली है? हमारी लोकेशन है HDFC बैंक के बगल में जालौन, भवानी राम मोहल्ला। ओके, और इस चौराहे से आप डाकघर की तरफ जाएंगे, HDFC बैंक मिलेगी रास्ते में उसके बगल से। भैया आपने जी मेडिकल खोला है, इसका पर्पज क्या है, ये कैसा मेडिकल है, इस मेडिकल की जानकारी क्या है? हमारे यहाँ हर सर्जिकल आइटम एंड मेडिसिन होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह की मिलती है, आप होलसेल में भी ले लो रिटेल में भी ले लो। अच्छा, आपके यहाँ पूरा थोक का सामान मिलने वाला है, यानी की जैसे मान लो किसी को एक ग्लूकोज का डिब्बा लेना तो उसे कितने डिब्बे लेने पड़ेंगे? नहीं, एक पीस ही लेगा तो होलसेल के रेट लगेंगे। होलसेल के रेट लगेंगे, अगर एक पीस ही लेना तो उसे होलसेल का रेट लगेगा पूरा का कहता। अगर उसे पूरा थोक का लेना तब भी होलसेल का रेट लगने वाला है। तो आपकी जो मेडिकल की ये सप्लाई कहाँ कहाँ होने वाली है? सप्लाई तो हमारी जालौन जिले में जितने भी आस पास के गाँव है, हमारे मंगरा, मानोरा, रामपुरा, जगमनपुर, सरावन, कशीस, कमसेरा, दूरा, इन सभी जगह। यानी कि आपने कोई डिस्काउंट वगैरह रखा है इस पे? हाँ, 20% रिटेलर के लिए 20%। आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? 7007481134। ओके भाई, भाई लड्डू की पैकिंग चल रही है जो कि दीपक भाई और उनके साथ भाई है वो भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लड्डू पैक हो चुके हैं, थोड़ी देर में उद्घाटन की तैयारी होने जा रही है, आप देख सकते हैं। ये उद्घाटन की तैयारी चल रही है पूरी, आप देख लीजिए यहाँ पर। ये भैया उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं, बैलून वगैरह फूल वगैरह यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये एक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन है जो कि देख लीजिए पूरी, यहाँ पर मेडिकल की दवाइयाँ पूरी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। चारों तरफ मेडिकल की दवाइयाँ लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। पूरी यहाँ ग्लूकोज लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए इनो, बाकी दवाइयाँ लगी हुई हैं। उद्घाटन में आइए। क्या नाम है आपका बेटा? इस बच्ची का नाम मानू है, देख लीजिए कितनी प्यारी सी बच्ची है। पंडित जी आ रहे हैं और उन्होंने हवन की तैयारी कर दी है। आप देख सकते हैं गोपाल घोष स्वामी जी के द्वारा यहाँ पर हवन की तैयारी की जा रही है। ये प्रवेश द्वार हो रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले उद्घाटन के लिए पूजा जरूरी होती है।
उद्घाटन की समाप्ति हो चुकी है। आप देख सकते हैं सतरुम मेडिकल उद्घाटन की समाप्ति पूरी तरीके से हो चुकी है। आप देख सकते हैं और हो सकता है ये व्यवस्था कर लेना हमें तो सस्ता मिले तो उससे इनडायरेक्टली हमारे मरीजों को दूसरे हम लोगों की एक आदत है दवाइयाँ जब लेने जाते हैं यार सीरप दे दो ये ताकत का क्या चीज़ है तो आप जब ये चीज़ मांगें तो इस बात का ध्यान रखें उस पर 18% की एस टी है तो आप लोग सिर्फ वही दवाइयाँ मांगें जिनकी आपको आवश्यकता है ताकत का सिरप वही अगर घर में हम खाते 10 रुपये खर्च होता है जब दुकान से लेते तो 200 रुपये खर्च होते हैं तो जब भी जाए तो कस्बर एक चीज़ से बचे हमें सिरप नहीं चाहिए ताकत वाले केमिकल जरूरत और डॉक्टर बनने उनका मांगे इस अवसर पर मैं सैजल सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबको मुझे भी यहाँ आमंत्रित करके सम्मानित किया और अपने लिए आशीर्वाद लेने का प्रयास किया। मैं भी इन्हें पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है ये जनहित का कार्य है मेडिसिन का कार्य और स्वच्छता का कार्य जनहित का है। अगर हमारे अंदर जनहित की भावना नहीं है तो कोई कार्य हम नहीं कर सकते। कुछ जगह पर मजबूरी नहीं आता है कुछ ऐसे जिनके पास पैसे बोले मजबूरी को कभी इसलिए हमें नहीं लौटाना चाहिए बेचारे पास पैसा नहीं आवश्यकता पड़े तो भले ही मदद के रूप में तो सोचा लेकिन हमें उसकी करनी तो मैं सोचता हूँ इसी भावना के साथ ये आगे बढ़े और ईश्वर इनको निश्चित ही शुभकामनाएं। भैया ने आज हमारे मेडिकल का ब्लॉग बनाया काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाया तो आज मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और दवा की वीडियो को शेयर करें। राम राम।